गुड इवनिंग एवरीबडी एंड मेरे दोस्तों, बहुत बहुत अच्छा दिन है आज। और आकाश अधिकारी जी नेपाल से इंडिया आए हैं, जो फिल्म बोर्ड के प्रेसिडेंट भी हैं, एक्टर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। राजीव रुइया जी को तो सब जानते हैं, इन्होंने मल्टीपल फिल्म्स किए हैं, बैक टू बैक गाने किए हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स पे आज जी सोनी सब जगह चल रहा है। आज हमने जो है एक एसोसिएशन ऐसा किया है कि फिल्म जो नेपाल में हम प्रमोट कर रहे हैं नेपाल को फॉर लाइन प्रोडक्शन एंड ऑल, उसके लिए राजीव जी और दोनों डायरेक्टर भी साथ में हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और एसोसिएशन में भी हैं। सो वी वुड लाइक कि राजीव जी अगर कुछ बोले ओएमएस लोकेशन जो नया एप्लीकेशन हमने बनाया उसके लिए, उस प्लेटफॉर्म को जो है शुरुआत जो है हम नेपाल से कर रहे हैं। एंड पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये ओएसएम वाले जो है दीपक भानुचली, ये मेरे प्रोड्यूसर भी है, मेरे दोस्त ही, हमने मिलकर फिल्म बनाई थी माई फ्रेंड गणिशा, और आज इनसे मिलकर और बहुत ज्यादा खुशी हुई है क्योंकि मेरा ड्रीम था एक्चुअली नेपाल शूट करना। मैं चार बार प्लान किया लेकिन नेपाल शूट नहीं हो पाया और आज इन्होंने ड्रीम सक्सेस कर दिया और हम बहुत जल्दी नेपाल आने वाले और नेपाल शूट करने वाले। थैंक यू। कुछ बोलना चाहिए? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को नेपाल में। एक ऐसा है कि फिल्म मेकिंग एक कंसेप्ट होता है, आप लोगों का कंसेप्ट अगर हम हूबहू उसको उतार के दे सके तो वही है लाइन। मैं क्या चाहता हूँ कि जो आपका कंसेप्ट है वो हम समझ पाए और उस कंसेप्ट को मेरे जितने भी क्रू होंगे वो क्रू उसको दुरुस्त करके दुरुस्त रूप से आपको प्रदान करें। शुरुआत को हमारी माई फ्रेंड गणेशा की शुरुआत जैसे राजीव जी ने की थी, आज से 2020 साल हो गए और आज देखिए हम लोग, मेरे पास पहला जो ये फिल्म का अपॉर्चुनिटी आया कि नेपाल में शूट करना है और एसोसिएशन ऐसा हुआ कि एक्सक्लूसिवली नेपाल और वंस मोर स्टूडियो के हमने एग्रीमेंट्स जो परसों साइन किया, मैंने कहा पहला कॉल मेरा जाएगा तो राजीव जी को जाएगा हमेशा की तरह, और मुझे ना नहीं बोलेंगे, मुझे उन्होंने कहा चलो एक फिल्म करते हैं और सितंबर में वी आर प्लान टू डू सम गुड शूट फॉर 20 डेज एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी की बात है। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू ऑल्सो सर। टेक केयर।